हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं। और खुशखबरी ये है कि आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये वन वीक से लगातार रेलवे के चेयरमैन के खिलाफ बॉयकॉट चल रहा था कि बॉयकॉट रेलवे चेयरमैन, क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम डेट नहीं ला रहे थे, एग्ज़ाम नहीं करा रहे थे, इसीलिए उनके लिए ट्वीट किए जा रहे थे लगातार। और ट्वीट करने पर वो ट्रेंडिंग पर भी आ गए थे। इसके बाद जो यूथ था सबने मिलकर ये मुहिम लगाई कि उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, तो इसके आगे सरकार को भी झुकना पड़ा है। और अब आप लोगों की आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब वो एग्ज़ाम डेट है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये ट्वीट है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। रेलवे चेयरमैन वीके यादव सेड दैट आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी आइसोलेटेड कैटेगरी सीबीटी एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट 15 दिसंबर 2022। जो रेलवे के चेयरमैन हैं वीके यादव, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। ये डेट इधर उधर भी हो सकती है। और लेकिन एक चीज़ और है कि आप लोगों को लगातार अपने ट्वीट करते रहना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बोला है, ये कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। इसीलिए हमें जो हमारा चल रहा है ट्विटर पर ट्वीट, वो करते रहना है, जिससे कि ये लोग जल्द से जल्द हमारे एग्ज़ाम करा सकें। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और जो रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, उसके लिए जीके का जितना भी कंटेंट है वो आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस न्यूज़ को पा सकें और उन्हें भी खुशी हो कि उनका एग्ज़ाम भी होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।